न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। स्नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्तमीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो एक तरह से जैन न्याय का पहला ग्रंथ है और इसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है। स्तुति शैली में लिखा गया है, लेकिन दर्शन और न्याय इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो एक रिवीजन थोड़ा सा करना जरूरी है, क्योंकि ये जो शुरू का मैटर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्पष्ट रहेगा तो सारी आप्तमीमांसा समझ में आएगी। आप्तमीमांसा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण ये है, इसलिए एक नजर अब तक हुई कारिकाओं पर बहुत संक्षेप में आपके सामने, आपके हाथ में कारिकाएं होनी चाहिए। आपके पास में ये कारिकाएं होंगी तो आप इनका अच्छे से अर्थ समझ सकेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट कारिकाएं हैं। यदि ये कारिकाएं एक दफे अच्छे से समझ में आ जाएं तो बहुत लाभ होगा। मैंने आज इन कारिकाओं को पढ़कर भी गाकर भी ग्रुप पर भेजा है, इसीलिए कि आप उनको बार बार सुने पढ़ें और ये मूल कारिकाओं को एक बार लगा लें। ऐसा मेरा आप सबसे बहुत जोर देकर निवेदन है कि आप इन कारिकाओं के पीछे पड़ जाएं। इन ये आचार्य समंत भद्र की वाणी है, जिसके बारे में लिखा है कि 84 लाख योनियों में जैसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसे ही आचार्य समंत भद्र की वाणी दुर्लभ है। ये उनकी वाणी है, ये उनके वचन है, और मैं चाहता हूं कि आप इनको यथावत समझें। एक बार हिंदी समझ लें, लेकिन बाद में हिंदी को छोड़ दें, हिंदी के चक्कर में ना पढ़ें। आप मूल शास्त्रों के संपर्क में आएंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है। तो देखो बहुत बढ़िया है ये, क्या कहा है, कितनी अच्छी अच्छी, मैं बार बार पढ़ रहा हूं और मुझे अभी भी नए नए अर्थ समझ में आ रहे हैं। क्या कहा, देखो अब तक क्या कहा वो बात, ये क्या कह रहे हैं वो तो हमारी समझ में आ जाए, ये जो बात कह रहे हैं वो बात समझ में आना तो बहुत कठिन है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ये क्या कहना चाहते हैं, इतना भी अगर हमारी समझ में आ गया तो बहुत फायदा होगा। देखो मैं कारिकाएं का पूरा एक बार दोहराऊंगा, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं कि इन कारिकाओं में क्या आया है। आपको शॉर्ट में कभी भी कोई भी पूछे या कोई ना पूछे, आप अपने आप को समझा लीजिए कि हमने क्या समझा, क्या समझ रहे हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा,
मैं आपको वो बात बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि अब तक हमने क्या समझा, हमको क्या कहा समंतभद्र स्वामी ने। तो देखो, उन्होंने हमको दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही है, बस दो ही तीन बात है। इसको आप इस ग्रंथ का सार क्या, पूरे जैन दर्शन का सार कह सकते हो। पहली बात तो उन्होंने हमसे ये सवाल किया है कि हम प्रभावित किससे होते हैं, आखिर हमको महिमा किसकी आती है, समोसरण की, छत्र चंवर आदि वैभव की, गंधोदक वृष्टि, पुष्प वृष्टि, हमें महिमा किसकी आ रही है? वहां छह ऋतु के फल फूल होते हैं, इसकी महिमा आ रही है क्या? देखो, पहला मुद्दा समंतभद्राचार्य स्वामी हमसे ये पूछ रहे हैं, तुम किससे प्रभावित होते हो, तुम्हारी दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है, ये सोचो, अच्छे से सोचो। पहला बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने हमारे सामने ये खड़ा किया है। क्या ये हम जो दो दो पैसे पर मरते हैं, रुपयों की, पैसों की महिमा आती है, उनको हमको समझाया जा रहा है कि समोसरण जैसा वैभव, वो भी आचार्य देव की दृष्टि में बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, उपेक्षणीय है, ऐसा लिखा है अकलंकाचार्य ने कि उपेक्षा करने योग्य है, वो मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है। फिर चलिए, ये तो बाहरी रुपया पैसा धन दौलत, बाहरी वैभव की बात हुई। बहुत से लोग आपको दुनिया में कहेंगे कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। वो कहते हैं ना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। तो हेल्थ चली गई हमें, शरीर की बहुत स्वस्थ सुंदर, जिसमें कभी पसीना तक नहीं आता, जिसमें कभी कोई रोग नहीं उत्पन्न होते, जो जलता नहीं, जो कटता नहीं, जो 34 अतिशयों से सहित है, 1008 लक्षणों से सहित है, वज्र वृषभ नाराज संगनन, सुंदर कैसा शरीर है वो दिव्य शरीर, क्या उसकी तुम्हें महिमा आ रही है, क्या वो महत्वपूर्ण है? दूसरा बात, तीसरी बात वे तीर्थंकर बन गए, सारी दुनिया उनके अर्घ चढ़ा रही है, पूज रही है, वे तीर्थ के प्रवर्तक कहलाते हैं, उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रणयन किया है, क्या इसकी तुम्हें महिमा आ रही है, क्या तुम्हारी दृष्टि में ये महत्वपूर्ण है? ये तीनों चीजें आचार्य समंतभद्र स्वामी हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये तुच्छ हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये उपेक्षणीय हैं, हमको किस किस की महिमा आती है। तीन लोग की लाखों बातें इसमें समझ लेना, आप थोड़ा कहा बहुत जानना। हमें एक सुंदर सा पेन हो तो महिमा आती है, ये कागज, ये रुमाल, ये घड़ी, अरे वाह वाह, मुंह से जरा जरा सी चीज के लिए हमारी हमारी दृष्टि में वाह वाह निकलता रहता है। और ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बात तो ये समझने में हमको पसीना छूट जाएगा, हमें क्या किस किस की महिमा, क्या निगेटिव में क्या कह दिया हमको, बोले समोसरण मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है, समोसरण का ठाट बाट पूरा अतिशय, क्या क्या कितने योजन में सुभिक्ष हो जाता, क्या क्या हो जाता है, हम छोटी छोटी चीजों से कितने प्रभावित होते हैं, जरा जरा हमें जरा रास्ते में कोई बाबा मिल जाए और कह बेटा आज का दिन तेरे लिए बढ़िया होगा, मेरी बात मान ले, तो हमको महिमा आने लग जाती है। या क्या कह रहे हैं, समोसरण का वैभव,
शरीर अपन शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या नहीं करने लग जाते हैं, कुछ भी करवा लो हमसे उल्टा सीधा। कोई कहे ये अभक्ष खा लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको कुएं में पटक दो, तुम कुएं में पड़ जाओ, सब कर लेंगे हम। हमको कितनी महिमा शरीर की है, कितनी महिमा बाह्य वैभव की है और कितनी महिमा यश की है। देखो, पहली में धन ले लिया, दूसरी में शरीर ले लिया और तीसरे में कीर्ति ले ली, सारी कीर्ति। दुनिया यश कीर्ति के पीछे मरी जा रही है। लोग अपना करोड़ों अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं मेरा नाम रहे चैरिटी में, मैं यश के लिए। कहते हैं शरीर तो मर जाएगा, तुम एक दिन मर जाओगे, कीर्ति रखो, कीर्ति। हमारे आचार्यों ने भी कीर्ति का उपदेश दिया है, यश कमाने की नीति शास्त्र में बहुत शिक्षा दी है, बड़ी जबरदस्त। और यहाँ कहा तीर्थंकरत्व जैसा यश भी, जिसकी चर्चा जो तीन लोक में पूजा जाता है, माना जाता है, जिसको तीन लोक कंसीडर करता है, वो तीर्थंकरत्व भी समंत भद्र स्वामी की दृष्टि में उपेक्षणीय है, महान नहीं। ये ध्यान का विषय है, सामायिक का विषय है। तसल्ली से सोचो, कभी अपने मन के चोरों को पकड़ो, हम किस चीज की महिमा आ रही है हमें। ना धन महत्वपूर्ण है, ना शरीर महत्वपूर्ण है और ना कीर्ति महत्वपूर्ण है। धन में सबसे बड़ा धन समोसरण है, शरीर में सबसे बड़ा शरीर तीर्थंकर का शरीर है और कीर्ति में सबसे ज्यादा कीर्ति जिसके आगे सौधर्म इंद्र झुकता हो, जिसे 100 इंद्र चरण झुकाते हो, इससे बड़ी कीर्ति और क्या चाहिए। लेकिन जिनकी दृष्टि में कीर्ति की भी कोई वैल्यू नहीं है, एक बात तो उन्होंने ये कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि फिर वैल्यूएबल क्या है, तो तीन चीज वैल्यूएबल है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। ये तीन के कारण जीव महान बनता है, उन तीन के कारण नहीं जिनके पीछे तुम रात दिन दौड़ रहे हो, जिनके पीछे तुम कुछ नहीं सुन रहे हो, वो तीन महत्वपूर्ण नहीं है। ये तीन महत्वपूर्ण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। और फिर वो ये कहना चाहते हैं, अब तुम अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि तुमको वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता समझ में आ रही है या नहीं। कोई आत्मा वीतरागी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर्वज्ञ कोई हो सकता है, समझ में अपने को धोखा मत देना, देखा देखी मत बोलना, ईमानदारी से समझना, ये दूसरा पॉइंट है। समंत भद्राचार्य कह रहे ईमानदारी से समझना, नो चीटिंग, देखा देखी नहीं, अपने साथ धोखा नहीं करना। तुमको समझ में आता है कि क्या पूरी तरह राग द्वेष से रहित कोई जीव हो सकता है। आपको बड़े बड़े लोग दिखाता हूं दुनिया में जो ये नहीं मानते कि पूरी तरह राग आदि मिट सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसका नाम लूं। एक किताब है चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, उसमें लिखा ये मनोविकार कभी पूरी तरह समाप्त हो ही नहीं सकते, केवल परिष्कृत हो सकते हैं। बोले क्रोध खत्म नहीं हो सकता, लेकिन क्रोध सात्विक बन सकता है।
बोले किसी बुरे पर क्रोध आए, जेन्यून क्रोध आए, उचित क्रोध आ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन क्रोध खत्म नहीं हो सकता, भगवान को भी आएगा। नहीं आए तो वो क्या मतलब है, वहां भगवान को भी क्रोध आता है, भगवान को भी अहंकार है, भगवान को भी माया है, भगवान भी कुछ चाहते हैं, लोभ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ऊंची बात समझाई जा रही है कि ये जीव पूरी तरह वीतराग हो सकता है, ये तुम्हारी समझ में, और समझा रहे हैं ये तर्क से, युक्ति से, हस्ता मलकवत हमारी कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, कितना बड़ा उपकार इनका है कि वे हमारी मदद कर रहे हैं कि देखो समझो, ऐसे तुम्हारी समझ में आ सकता है कि जीव पूर्ण वीतरागी हो सकता है। दूसरा तुम ये सोचो कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं हो सकता, वे हेल्प कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती भी, वे भी प्रमेय हैं, वे भी अनुमेय हैं, इसलिए किसी न किसी के प्रत्यक्ष हो सकते हैं। अब इन तर्कों पर ही तो उन्होंने सारा काम तैयार करके दे दिया है। अब तो हमें समझना है ऐसे ही हितोपदेशी कौन होता है, कैसे होता है, वाणी से वीतरागता सर्वज्ञता अंदर की चीज है, आंखों से दिखाई नहीं देती, वो ऐसे पहचानी नहीं जाती, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको वो चाबी दे दी है, वो तरीका सिखा दिया है जिससे हम ये पहचान सकें कि भगवान वीतराग हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। ये बात चल रही है और बस इतना ही माल है, आप तो परीक्षा का सारा दारोमदार यही है, बस ये जो इतनी सी बात कही है इसे आप इतनी सी समझ लो चाहे इतनी बड़ी समझ लो, अपना चेक करना है, समझना है, यही जचाना है। तो देखो मैं एक नजर, आप कारिकाएं अपने सामने रखो, मैं अर्थ बोलता हूँ बहुत शॉर्ट में, बड़ा अच्छा है, मैं बार बार अर्थ पढ़ रहा हूँ, कभी अष्ट सती में से पढ़ता हूँ, कभी उसमें से पढ़ता हूँ, कभी जुगल किशोर मुख्तियार जी की में से पढ़ता हूँ, सारे अर्थ लगा लिए, विभक्ति लगा ली मैंने, व्याकरण लगा ली मैंने, एक एक शब्द को व्याकरण से लगाया है, कैसे बना है, मैं इस बहाने संस्कृत भी पढ़ गया कि कहीं कुछ सूक्ष्म बात उसमें छुपी ना रह जाए, इसलिए मैं एक एक शब्द पर मेहनत कर रहा हूं। देखो क्या कहा, पहली कारिका में कहा कि हे भगवान, आपके पास देवों का आगमन होता है, आप आकाश में चलते हैं, आपके पास चामर आदि विभूतियां हैं, किंतु ये तो मायावियों में भी दिखाई देती हैं, इसलिए इनके कारण आप मेरी दृष्टि में महान नहीं हैं। भाषा तो सीधी सच्ची है मगर भाव बहुत ऊंचे हैं। दूसरी कारिका, बाहरी दौलत से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास शरीर में ऐसा अंतरंग बहिरंग महोदय है, ऐसा अंतरंग बहिरंग विशेषता है, महान उदय है, अतिशय है, कि जो वास्तव में दिव्य है और सत्य है, झूठा नहीं है, जादूगर द्वारा किया जा सकने वाला नहीं है, लेकिन दिवौ कसु, लेकिन स्वर्ग के देवताओं में जो कि रागादिमान है, जो कि राग द्वेष सहित है, उनमें ये पाया जाता है, अतः आप इनकी वजह से भी मेरी दृष्टि में महान नहीं है। तीसरी कारिका, हे भगवान, आपने तीर्थ का प्रणयन किया है, आप तीर्थंकर हैं, आपने आगम का प्रणयन किया है, आपने आगम बनाया है, लेकिन आप तीर्थंकर होने के कारण, आगम प्रवर्तक होने के कारण भी मेरे लिए महान नहीं है।
क्योंकि यदि तीर्थंकरत्व होना, आगम का प्रणयन करना महानता का हेतु होता तो सभी लोग कपिलादि भी सुगतादि भी तीर्थंकर कहे जाते हैं, उनका भी अपना आगम है, लेकिन इन सब में परस्पर विरोध पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सब आप्त नहीं है, कोई कोई इनमें आप्त हो सकता है लेकिन सब आप्त नहीं है। कश्चिदेव के बहुत सुंदर सुंदर अर्थ किए टीका में, गजब की है टीकाएं इसकी, बड़ा उपकार अकलंक और विद्यानंदी और वसुनंदी आचार्य का हुआ। चौथी कारिका का अर्थ देखिए कि हे भगवान, दोष और आवरणों की हानि पूरी तरह हो सकती है क्योंकि दुनिया में इनकी जबरदस्त हानि होती हुई देखी जाती है। बहुत जीव ऐसे मिलते हैं जिनमें दोष और आवरण की हानि होती है। दोष माने भाव कर्म और आवरण माने द्रव्य कर्म। दोष में आत्मा के समस्त विकार ले लिए। हे भगवान, दोष और आवरणों की हानि पूरी तरह हो सकती है, पक्के में पक्का हो सकती है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। क्योंकि जब किसी भी कार्य को कारण मिलेंगे तो उसका बहिरंग अंतरंग मल क्षय होगा ही होगा। सब कहीं न कहीं ये किसी में तो होगा, जिस जो पूरा कारण देगा उसके पूर्ण कार्य होगा। जैसे जिस जितना जितना ज्ञान बढ़ाओ उतने उतने रागादि कम होते हैं, जितनी जितनी निर्मलता वीतरागता बढ़ती है उतने उतने दोषावरण क्षय होते जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण वीतरागता बढ़ सकती है और पूरी तरह बहिरंग अंतरंग मल का, गंदगी का, देखो मल बहिरंग अंतरंग मल का क्षय हो सकता है। कारिका नंबर 6, इसलिए समय लगा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आगे तक के लिए बहुत काम आने वाला है, यही सारा दारोमदार है। छठवीं कारिका का अर्थ देखिए, हे भगवान, वह वीतराग और सर्वज्ञ। चौथी कारिका वीतरागता को सिद्ध करती है, पांचवीं कारिका सर्वज्ञता को सिद्ध करती है और छठी कारिका हितोपदेशिता को सिद्ध करती है। हे भगवान, आप ही वह वीतराग और सर्वज्ञ हो। वही वीतराग सर्वज्ञ काल के लिए शब्दाया निर्दोष, वह निर्दोष तुम ही हो। और ये तर्क यदि हमारी आपकी समझ में आ जाएगा तो हम कृत कृत्य हो जाएंगे, उसी दिन हमारे मस्तिष्क का सारा वातायन खुल जाएगा। बस यही है, जहां दरवाजे बंद है ये कुंडा खोलना है बस, कि हे भगवान आप ही निर्दोष हो। कैसे जाना भाई? ऐसे जाना कि आपके वाक, आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र की अविरोधी है, युक्ति और शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। आपका शासन यदिष्टम, आपका जो इष्ट है, यद माने क्योंकि, यस्मात, ये सब अर्थ मुझे भी कई कई नए समझ में आ रहे, पढ़ गए थे सामान्यता से, बार बार पढ़ रहे तब समझ में आ रहे हैं। आपका जो इष्ट है, शासन है, तत्व ज्ञान है, वो अविरुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धेन न बाध्यते, क्योंकि वह जितने भी प्रमाण हैं, जितने भी प्रमाण प्रसिद्ध हैं, प्रत्यक्ष अनुमान परोक्ष आदि तर्क युक्ति स आगम, किसी के भी द्वारा वह आपका तत्व ज्ञान बाधित नहीं होता है। और सातवीं कारिका के, हे भगवान, जो आपके मत रूपी अमृत से बाह्य हैं और सर्वथा एकांतवादी हैं,
वे आप्त के अभिमान से दग्ध हैं, जल रहे हैं और उनका अपना तत्व ज्ञान दृष्टेन प्रत्यक्ष से ही बाधित होता है। हे अरिहंत, आपका तत्व ज्ञान किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता है, लेकिन और जो दूसरे आपके मत रूपी अमृत से बाहर हैं, सर्वथा एकांतवाद को मानते हैं, वे जबरदस्ती आपके अभिमान में दग्ध हो रहे हैं, उनका अपना तत्व ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही बाधित सिद्ध होता है। और अब 7 कारिकाएं हमने पढ़ ली थी, अब 8वीं कारिका आज से शुरू होते हैं। 7 कारिकाएं मैंने सिर्फ अर्थ अर्थ पढ़ा है, कारिका इसलिए नहीं पढ़ी कि पढ़ करके आपको ग्रुप पर भेज दी है, आप उनको आराम से सुन सकते हैं। शुद्ध कारिकाएं पढ़ना सीखो, शिथिलता मत रखो। हिंदी की पगडंडी ज्यादा रखना ठीक नहीं है, एक बार हिंदी लगाओ, बाद में संस्कृत से ही समझोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। चलो अब सरल कारिका एक आई, बहुत गजब की भाषा, बड़ी सुंदर। कुशला कुशलम कर्मा, मुझे तो इनको पढ़ पढ़ करके जिनसेनाचारी का एक शब्द याद आता है, कवि चूड़ामणि। कवियों में सर्वश्रेष्ठ, संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि कोई है तो वो सामंतभद्र है। आप इस बात पर चिंतन करना, कवि किसे कहते हैं, संसार का सर्वोत्कृष्ट कवि कौन है। अगर आपसे पूछे कौन बनेगा करोड़पति में, प्रश्न आया है समझो, संसार का सर्वोत्कृष्ट कवि का नाम बताइए, तो उसका नाम है सामंतभद्र। और वो दार्शनिक की दृष्टि से नहीं, कविता की दृष्टि से देखो, आप कविता कैसी लिख रहे हैं, वो काव्यत्व देखो, साहित्य की दृष्टि से देखो, गजब की कविता है। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकांतग्रह रक्तेषु नाथस्व परवैरिषु। क्या शब्दों का चयन है, क्या शब्दों की संरचना, क्या वाक्य विन्यास, क्या छंद संरचना, ये है कवि चूड़ामणि। कुशला कुशलम कर्म, कहां से शब्द लाते हैं देखो तो सही। कुशला कुशलम कर्म, कुशल माने शुभ पुण्य, अकुशल माने अशुभ पाप। पुण्य कर्म पाप कर्म, दो तरह के कर्म है, शुभ कर्म अशुभ कर्म, पुण्य पाप अच्छा बुरा, कुछ भी कहो। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित्, च माने और, परलोक परलोकश्च, परलोकश्च माने लोक और परलोक, ये लोक और परलोक, ये जन्म और परलोक, ना क्वचित कहीं भी नहीं सिद्ध होता है। एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपरवैषु, हे नाथ, अब निकला इनके मुंह से नाथ, अब तक नाथ नहीं निकला, क्योंकि अब वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता की सिद्धि हो चुकी है, इसलिए अब ये श्रद्धा वाचक शब्द निकला कि हे नाथ। अब तक नहीं आया था कोई ऐसा शब्द, लेकिन अब आया, हे नाथ आपका कुछ आपके जो, हे नाथ जो लोग एकांत के ग्रह में रख है, रक्त माने लीन आसक्त, जो एकांत के ग्रह माने आग्रह। ग्रह शब्द के दो अर्थ है, एक तो ग्रह माने होता है आग्रह, और एक ग्रह शब्द का अर्थ वो ग्रह भी होते हैं, जैसे कहते हैं शनि ग्रह, फलाना ग्रह, ढिकाना ग्रह, पिशाच, भूत पिशाच, उनको जो एकांत, जिनके ऊपर एकांत की दशा चल रही, कहते ना इस पर तो शनि की दशा चल रही, जिन पर एकांत की दशा चल रही है, जो एकांत के पिशाच से पकड़े गए हैं,
जो सर्वथा एकांतवादी होते हैं उनके लिए क्या शब्द दिया कि वे एकांत के पिशाच से पकड़े हुए हैं और वे स्वपर वैरी हैं, वे अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं और उनके मत में उनकी बात में ना तो पाप सिद्ध होता है ना पुण्य सिद्ध होता है ना ये लोक सिद्ध होता है ना परलोक सिद्ध होता है और चे में बहुत कुछ लगा लेना ना जीव सिद्ध होता है ना अजीव सिद्ध होता है ना बंद सिद्ध होता है ना मोक्ष सिद्ध होता है ना शुद्धि सिद्ध होती है ना शुद्धि सिद्ध होती है कुछ सिद्ध नहीं होता ना नित्यता सिद्ध होती है ना अनित्यता सिद्ध होती है ना भाव सिद्ध होता है ना अभाव सिद्ध होता है। च में बहुत कुछ ले लेना। देखो आठवीं कारिका का अर्थ मैं फिर बोलता हूँ, बड़ी ही सुंदर सरस अर्थ गर्भित आनंददायक आनंदामृत पूर कारिका है। हे नाथ, जो लोग एकांत के ग्रह में रक्त हैं और स्वे और पर के बैरी हैं, शत्रु हैं, उनके यहां तो कैसे भी करके किसी भी रूप में पुण्य पाप की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती, परलोक सिद्ध नहीं होता, लोक सिद्ध नहीं होता और कुछ भी सिद्ध नहीं होता। सही पूछो तो एकांतवादी नास्तिक हैं। बहुत से लोग कहते हैं जैनों के लिए कि ये नास्तिक हैं। अरे जो एकांतवादी हैं उनके यहाँ कुछ सिद्ध नहीं होता। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरिषु। और स्वपर वैरी क्यों है वो, स्वपर वैरी क्यों है, क्योंकि वे स्वयं भी तत्व ज्ञान सही नहीं कर पाते हैं, वस्तु का एक ही पक्ष देखते। एकांतवादी माने जिसने वस्तु का एक पक्ष देखा। जुगल किशोर जी मुख्तियार ने उदाहरण दिया कि जैसे दूध में गुण भी हैं दोष भी हैं, कोई दूध के गुण ही गुणों को जाने और अधिक पी जाए तो दस्त लगेंगे, नाना प्रकार की और दिक्कत होगी। तो जो एक ही पक्ष को जानता है वो स्वयं का भी बैरी है, पर का भी बैरी है। वस्तु को जो पूरी तरह जानेगा वो उसका लाभ उठा पाएगा। देखो ये रुमाल यदि सर्वथा मलिन है तो धोना क्यों, और यदि सर्वथा निर्मल है तो धोना क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ में आ गई तो आनंद आएगा। यदि एक वस्त्र सर्वथा मलिन है, यदि ये वस्त्र सर्वथा मलिन है तो धोना क्यों, ये तो सर्वथा मलिन है, धोना व्यर्थ है, फिर धुलेगा ही नहीं है। और यदि ये वस्त्र सर्वथा निर्मल है तो धोना क्यों। इससे सिद्ध होता है, अरे वस्तु का अर्थ क्रियाकारित्व तभी बनता है। मैंने पिछली बार आपको उदाहरण दिया ना, नाटक में जो राम है वो राम है या नहीं, नाटक में जो सीता है वो सीता है या नहीं। यदि वो सर्वथा सीता है, यदि वास्तव में सीता है तो ये नाटक नहीं रहेगा। जब सच्ची सीता है तो वो नाटक ही नहीं है, और यदि वो सर्वथा सीता नहीं है तो भी वो नाटक नहीं है। नाटक को नाटक होने के लिए सीता को कथनचित सीता होना भी चाहिए और कथनचित सीता नहीं भी होना चाहिए, तभी नाटक नाटक है। क्या बात है,
चित्रकला पर बना हुआ, चित्र में बना हुआ शेर शेर है या नहीं? यदि सर्वथा है तो ये चित्रकला नहीं हुई, चित्रकला निरर्थक है। और यदि वो चित्र में बना हुआ शेर शेर नहीं है तो भी चित्रकला नहीं हुई। चित्रकला को चित्रकला होने के लिए उसे कथनचित सिंह होना भी चाहिए और कथनचित सिंह नहीं होना भी चाहिए, तभी वो चित्रकला अच्छी है। क्यों जिन शासन का उपकार है, स्याद वाद देकर उन्होंने हमको क्या किया है? एक बार आप सबके पल्ले ये स्याद वाद पड़ जाए तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। ये अद्भुत चीज है, इसको छोड़ते ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकांतग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरिषु। हे नाथ, जो एकांत के ग्रह में रक्त हैं, वे तो स्वपर के बैरी हैं, शत्रु हैं, आत्मघाती हैं, परघाती हैं, निरंतर स्वय और पर की हिंसा कर रहे हैं। उनको कुछ उनकी उनकी बातों से ना पुण्य सिद्ध होता है, ना पाप सिद्ध होता है, ना लोक सिद्ध होता है, ना परलोक, कुछ तो बनता ही नहीं, कुछ तो सिद्ध होता ही नहीं। चलो चिंतन करना, माल तो समुद्र जैसा भरा हुआ है, पर आप स्वयं चिंतन करना। मैं नौवीं कारी का और पढ़ता हूँ, देखो। हाँ सही कहा दीपाली जी, बहुत गजब का दोहा याद दिलाया मुझे। एक दोहा है हिंदी में, पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात है। यदि वस्त्र मलिन है तो क्यों धोना, और यदि मलिन नहीं है सर्वथा तो क्यों धोना, कैसे धोना? अच्छा देखो, आत्मा यदि सर्वथा नित्य है तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करना, और यदि आत्मा सर्वथा अनित्य है तो भी आत्मा मोक्ष के लिए क्यों पुरुषार्थ करना? हमको मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना क्यों करना, इतना संयम तप क्यों करना? यदि आत्मा सर्वथा नित्य है तो सारा मोक्ष का पुरुषार्थ व्यर्थ सिद्ध होता है। यदि आत्मा सर्वथा अनित्य है तो भी ये सारी धर्म की उपदेश, सारी धर्म का विधान व्यवस्था, वो भी सब व्यर्थ सिद्ध होती है। ओ हो, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित्। चार दिन बात करें इसी कारिका पर, आप सब सोचो जब आनंद आए। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित्। इस पर एक किताब लिखी जा सकती, एक कारिका पर 100 पेज मैं लिख सकता हूँ। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकांतग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरिषु। मैं तो हिंदी पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ लिया बार बार, अब मुझे इसी में अर्थ आ रहा है, अर्थ में अमृत झर रहा है। देखो नौवीं कारिका पढ़ के सुनाता हूँ। भावैकान्ते पदार्थानां अभावानां अपन्नवात् सर्वात्मकमनाद्यन्तम् अस्वरूपमतावकम्। भावैकान्ते पदार्थानां, अब आप्त परीक्षा की भूमिका पूरी हो गई और अब अध्याय शुरू हो गया। आप्त परीक्षा की पूरी भूमिका 8 कारिकाओं में थी, अब एक एक बिंदु को उठाया जाएगा। अब पहला बिंदु उठा रहे हैं, पहले बिंदु का नाम है भावाभाव। हर एक अब 10 परिच्छेद है आप्त परीक्षा में, आप्त मीमांसा में 10 परिच्छेद है। पहले परिच्छेद का नाम है भावाभाव, ऐसा समझ लो, नाम है नहीं, मैं रख रहा हूं समझो, क्या नाम है वो बाद में बताएं, भावाभाव। दूसरे का आएगा नित्यानित्य, तीसरा का आएगा भेदाभेद, चौथे का आएगा द्वैताद्वैत,
ऐसे पेयर बन बन कर आएंगे, तो जो क्या आएगा वो सब अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी पहला पेयर भाव अभाव। भाव माने अब ये जरूर समझ लो, भाव कहो सत्ता कहो सद्भाव कहो विधि कहो अस्ति कहो, ये पांच पर्यायवाची है। देखो क्या क्या भूलना नहीं, भाव माने भाव बोलो, सद्भाव बोलो, सत्ता बोलो, अस्ति बोलो, विद्यमान बोलो, ये सब भाव के पर्यायवाची है। सत बोलो और इनका उल्टा कर दो, अभाव बोलो, असद्भाव बोलो, नास्ति बोलो, असत बोलो, ये सब पर्यायवाची है। जहां भाव होगा वहां अभाव भी होगा, जहां अभाव होगा वहां भाव भी होगा। नदी के जैसे दो किनारे होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही भाव और अभाव जोड़े से होते हैं। भाव है तो अभाव है, अभाव है तो भाव है, भाव के बिना अभाव नहीं होता, अभाव के बिना भाव नहीं होता। भावैकान्ते पदार्थानाम अभावानाम अपन्नवात् सर्वात्मकम् मनाद्यन्तम् अस्वरूपमतावकम्। भावैकान्ते भाव वृद्धि संधि हो गई, भाव प्लस एकांत संधि हो गई, भावैकान्त पदार्थानाम पदार्थों का। भावैकान्ते माने भावैकान्त मानने पर, पदार्थों को एकांत से भाव रूप मानने पर, सत रूप मानने पर, विद्यमान मानने पर, अस्ति मानने पर, सर्वथा सत मानने पर, अभावानाम अपन्नवात् और अभावों का लोप कर देने पर, यदि हम पदार्थ को सर्वथा सत मानेंगे तो सारे अभावों का अपन्नव हो जाएगा, अभाव नाम की चीज बचेगी नहीं, अभाव का नाश हो जाएगा, लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे अभाव, अभाव का अभाव हो जाएगा, अभाव नहीं बचेगा, अभाव नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, क्योंकि भाव एकांत मान लिया, सर्वथा सत माना, तो फिर असत नहीं बचेगा कुछ भी। और जब असत नहीं बचेगा तो सारी वस्तुएं आपस में मिल जाएंगी, उनके बीच की जो लक्ष्मण रेखा थी वो तो खत्म हो जाएगी, सारी वस्तु सर्वात्मकम, सब वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। जो जल है वो दूध हो जाए, जल दूध तेल घी चार तरल पदार्थ हैं, लेकिन जब इन चारों के बीच में कोई तरह का अभाव है ही नहीं तो चारों एक ही हो जाएंगे, चार चार कैसे रहेंगे, सब मिलकर एक हो जाएंगे। सर्वात्मकम अनाद्यंतम, अनाद्यंतम माने अनादि भी हो जाएंगे, अनंत भी हो जाएंगे। अस्वरूपम अतावकम, छोटी सी बात में, छोटे छोटे शब्दों में गागर में सागर भर दिया। अस्वरूपम अतावकम, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। अस्वरूप मुझे अनुवाद करने के लिए इतना बड़ा सेंटेंस तो बोलना पड़ेगा कि ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया अस्वरूपम और अतावकम। तावक माने तुम्हारा, मामक माने मेरा, युष्माकम जैसे होता है ना, ऐसे तावकम तव शब्द से तावक बना तुम्हारा, और अतावकम माने ये बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी माने अरिहंत की, हे अरिहंत, अरिहंत की स्तुति हो रही है, हे अरिहंत। जो लोग एकांत के ग्रह से पकड़े हुए हैं, एकांत के पिशाच ने जिनको पकड़ लिया है, वे स्वपर के बैरी हैं, उनके यहाँ पाप पुण्य स्वर्ग नरक लोक परलोक बंद मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। कैसे सिद्ध नहीं होता है, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखो
जैसे कि भावैकांतवादी है, वो सर्वथा भाव मानता है, सर्वथा सत मानता है। तो जब सर्वथा सत माना जाए, सर्वथा भाव मानने पर भावैकांते क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन सती सप्तम्याम, एकांत से भाव मानने पर और अभाव का अपन्नव करने पर सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे, अनादि अनंत हो जाएंगे, पर्याय भी अनादि अनंत हो जाए, हिमालय पर्वत गंगा नदी सब चीजें, ये रूमाल है ये घड़ी है, यदि अभाव ना माना जाए तो घड़ी और रूमाल एक हो जाएंगे, घड़ी भी अनादि सिद्ध होगी, अनंत भी सिद्ध होगी, रूमाल भी अनादि सिद्ध होगा, अनंत भी सिद्ध होगा। और ये बात वस्तु के स्वरूप में नहीं है, अस्वरूपम ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और अतावकम, और ये बात हे अरियंत भगवान ये आपके घर में नहीं चलती ऐसी हल्की बातें बेकार की बातें, ये बात उनके घर में चलती है जो आपके मतरूपी अमृत से बाहर रहते हैं। ऐसी गजब की कारिका है। अब आपको किसी को कुछ कहना हो तो कहो भैया संदेश जी। देखिए क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, भैया बताओ तो सही मुझे क्या सा क्या लग रहा है। मैं आप सबके साथ स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्या क्या सीखा, क्या क्या समझ में, बताओ। हाँ शैलेश जी वेरी गुड। कवचित शब्द है ना सर? क्या शब्द आया? कवचित आठवीं कारिका में क्वचित क्वचित क्वचित। हाँ व्यक्ति कालवाची है, व्यक्तिवाची कालवाची कालवाची। कैसे भी कहीं भी कभी भी जब तक एकांत की मान्यता रहेगी तब तक कहीं किसी में भी क्वचित माने कहीं पर भी, सुगत में कपिल में किसी में भी कोई भी हो, हमें किसी पर्टिकुलर नहीं गए, वो क्वचित एक जनरल बताया, कोई भी हो भैया, जो भी एकांतवादी है किसी भी एकांतवादी के यहाँ कुशल अकुशल लोक परलोक आदि की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है। और बताइए जगदीप जी। हाँ जगदीप जी वेरी गुड, बहुत मन लगा के मैंने मैसेज किया है ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मैसेज किया है तो जरा ग्रुप में ज्वाइन करना, तो सब जो बाद में जो आप देते हैं वो मुझे मिल जाए। अच्छा ठीक है, संदेश जी हेल्प करेंगे आपकी जी बिल्कुल। हाँ दिनेश जी भी, दिनेश जी भी हाथ ऊंचा कर रहे हैं क्या, मुझे फिजिकली उनका हाथ दिख रहा है। हाँ दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी हाँ हेलो। हाँ बोलिए। जय जैन पंडित। बोलिए बोलिए। ये जो अपन नवात है ये आखिरी शब्द ये समझ नहीं आया, अपन नवात कैसे बनाए? हाँ अपन नव, अपन नव माने लोप करना, निन्नव जैसे निन्नव नहीं होता, निन्नव छुपाना, जैसे सम्यक ज्ञान के आठ अंग होते हैं ना उनमें एक निन्नवाचार आता है, उसका क्या मीनिंग है कि गुरु के नाम को छुपा जाना, तो अपन नव निन्नव माने उसका लोप करना, उसको छोड़ देना, उस पर ध्यान नहीं देना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाव कोई मानो और अभाव का लोप कर दो, अभाव को इग्नोर कर दो, अभाव को खत्म करो, अभाव को याद ही मत, हमें अभाव कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अपन्नव माने उसका निन्नव लोप नष्ट कर देना, अभाव को खत्म कर देना। धन्यवाद। और बताइए ये जो चार अभाव है उसकी बातें। हाँ अब अगले कल चार अभाव की बात आएगी, इधर वो उसका बीज डाल दिया। हाँ तो अगर उन चार अभावों को नहीं मानेंगे तो वो खोल करके एक एक अभाव के बारे में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी वो समझाएंगे। जय जिनेंद्र गुरु।
सर मैं कह रहा था एक जो एकांतवादी जो होता है वो वास्तव में क्या मानता है चीज को, देखो एकांतवादी जो व्यक्ति, देखो एकांतवादी क्या मानता है, अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक होती है, उसमें अनेक पहलू होते हैं, उसके अनेक आयाम होते हैं, और एकांत एकांतवादी एक पहलू को मानता है, उसके 100 पहलू हैं तो एक को मानता है, इसलिए वो एकांतवादी है। और अगर ज्यादा उलझन हो तो हाथी वाला उदाहरण याद रखो कि 6 अंधे हाथी देखने गए और उन्होंने देखने छू करके देखा, अंधे थे इसलिए छू करके देखा उन्होंने, तो छू कर देखने के बाद में उनका एकांत ग्रह रक्त हो गए, वे सब के सब एकांत के आग्रह में लीन हो गए। एक कहने लगा हाथी तो खंबे जैसा ही होता है, हाथी तो पूंछ रस्सी जैसा ही होता है, हाथी तो दीवार जैसा ही होता है, हाथी तो सूप जैसा ही होता है, हाथी तो कदली स्तंभ जैसा ही होता है, हाथी तो भाले जैसा ही होता है। ये 6 याद रहने चाहिए सबको, जरूरी है। हाथी का उदाहरण भी अभी हमारी समाज में सबको, अभी मैं किसी को कहूं ना सुनाओ तो नहीं सुना पाएगा, तो हमको थोड़ी मेहनत करना सीखना है। ये 6 क्यों लिए, क्योंकि 60 दर्शनों का निराकरण करना है, 60 दर्शन का निराकरण करने के लिए 6 बताए। कोई दोहरा सकता है, कौन दोहराएगा, क्या 6 बताए बताओ, चलो अभी मैंने बता दिया। वो 6 जन्मांध क्यों थे, 5 क्यों नहीं थे, 7 क्यों नहीं थे? अरे आचार्यों की कहानियों का बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, दृष्टांतों को भी अभी हम नहीं समझ रहे, सिद्धांतों को कैसे समझेंगे। ये दृष्टांत गजब का है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।